के सबब ईशा के बाद घरों से निकलने से गुरेज करें। सिर्फ जरूरी काम हो तो ही बाहर जाएं। हम यहाँ बहुत मजबूरी में रह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। जिस घर में हम रह रहे थे वहाँ पे भूत है। ये चिन्ह भूत कुछ ना हो गए। दादी तो अंधी है, उन्हें कैसे दिखेगा? काश हम भूत होते तो कहीं पे भी आराम से रह लेते। खुदा की कसम दिलावर साहब, मैंने ऐसी भूतनी नहीं देखी। रोशनी, मेरा तो दिल घबरा रहा है। रोशनी, जिंदगी में अंधेरा हो गया, तुझे रोशनी की पड़ी है। चुप। आज हमारी शादी है, ठीक 8 घंटे में। सब तैयार हो के 7:30 बजे यहाँ पहुँच। आज मेरा बाहर जाने का दिल ही नहीं कर रहा। ठीक 7:40 बजे हम यहाँ से निकलेंगे। कोई मसला हुआ है इसीलिए तुम्हें इतनी जल्दी इस तरह बुलाया ना? गूगल मैप के मुताबिक तकरीबन 25 मिनट का रास्ता है शराब से हम रोमैसा घर के बाद 8:05 पे होंगे। बेबी 8 घंटे पहले तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ, लड़की हूँ ना। और 8:10 पे हमने वारदात डाल दी। सब छोड़ छाड़ के दुनिया के झमेलों से निकल, तू पंख लगा के उड़ जा, उड़ जा। मेरी माँ तू चाहती क्या है? किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं गायब हूँ। अरे किसी को पता नहीं चलेगा। तुम मेरे एक्स डीजी एंटी करप्शन बाप को नहीं जानती, ज़िबा कर देगा मुझे। 40 रूल्स ऑफ लव। क्या पेंट करते हैं आप? खूबसूरती। तो अभी अगर आपको कैनवस और ब्रश मिल जाए तो क्या पेंट करोगे? अभी एक पल को गुजरते हुए देखा था, वो आंखों में रख लिया है मैंने। आपसे फोन नंबर मिल गया तो उसकी तस्वीर बनाकर भेज दूंगा आपको। कागज की सरगोशियां। मेरी लव मैरिज हुई थी एंड माय हस्बैंड इज सो पजेसिव अबाउट मी। अभी वो हम दोनों को यहाँ साथ बैठे हुए देख ले तो मुझे गोली मार दे शायद। तो शादीशुदा हैं आप? नहीं लगती ना। बिल्कुल भी नहीं। दोस्त बनकर वादा कीजिए, वफादारी मांगेंगे नहीं आप, वफादार हो जाएंगे। कभी बताया नहीं इश्क बावफा किया, मगर कभी जताया।